आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या और आप इस वक्त आपको बता दें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में एक पिज्जा की डिलीवरी करने वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और इसके बाद दक्षिणी दिल्ली में 72 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। तो बड़ी खबर ये है, सत्येंद्र जैन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, अब ये जो खबर आ रही है कि पिज्जा की डिलीवरी करने वाला जो एक लड़का है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जी, एक लड़का साउथ दिल्ली में पॉजिटिव पाया गया है। उसने जिन लोगों को डिलीवरी की थी, 72 ऐसे लोग मिले जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है। साथ में 17 उसके साथियों को भी क्वारंटाइन किया गया है, गवर्नमेंट क्वारंटाइन के अंदर, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है। उन 17 लोगों को हमने अपने क्वारंटाइन सेंटर पर रखा है। जी सत्येंद्र जी, एक सवाल मेरा ये कि जिस तरीके से यहाँ पर बात हो रही थी कि जो रैपिड किट हैं वो होंगे, रैपिड टेस्ट होंगे, उसके लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठ पाया, वो कब तक मुमकिन हो पाएगा दिल्ली में? देखिए, रैपिड किट जो आनी है ना, केंद्र सरकार ने आदेश दिया हुआ है और केंद्र सरकार से हम लगातार टच में हैं। अभी एक दो दिन में सुना है कि शायद मिल जाएगी, जिस दिन मिलेगी उस दिन हम रैपिड टेस्ट स्टार्ट कर देंगे बहुत बड़े स्केल पर। सत्येंद्र जी, वैसे अगर दिल्ली की स्थिति हम देखें तो इस वक्त सरकार क्या कदम उठा रही है एहतियात के तौर पर और ज़्यादा, क्योंकि जो स्थिति दिख रही है दिल्ली में उस लिहाज से, और क्या ज़रूरी और क्या ज़रूरत महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप सरकार, केंद्र सरकार से फिलहाल दिल्ली के लिए? देखिए, सबसे मतलब पहले तो मैं आपको स्टेटस बता देता हूँ। आज दिल्ली के अंदर 1578 केसेज हैं, जिसमें 17 केसेज कल ऐड हुए हैं और उसमें से 32 लोगों की डेथ हो चुकी है। 867 लोग जो हैं वो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स में एडमिटेड हैं, जिसमें से 29 आईसीयू में हैं और 5 लोग वेंटिलेटर पे रहे हैं। जहाँ तक हॉस्पिटल मैनेजमेंट की है, पेशेंट मैनेजमेंट की है, वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, उसमें कोई खास इश्यू नहीं आ रहा है। जो अभी जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ा इशू जैसे कि रैपिड टेस्ट का है, रैपिड टेस्ट के लिए हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में और चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें रैपिड किट मिले, तो हम जितने भी कंटेनमेंट जोन्स हैं उनको तो कम से कम एक बार सबको हम कर दें, ताकि हमें पता लग सके कहीं ऐसा तो नहीं कंटेनमेंट जोन में ही कुछ फैल रहा है। जी सत्येंद्र जी, इस वक्त दिल्ली में हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें तो कितने हॉटस्पॉट इस वक्त हैं और क्या बढ़ाए भी जाएंगे आने वाले दिनों में स्थिति को देखते हुए? 53 हॉटस्पॉट हो चुके हैं, 53 हॉटस्पॉट हो चुके हैं। और देखिएगा, हमने जो क्राइटेरिया बनाया हॉटस्पॉट का, हमने 3 केसेज के ऊपर कर दिया है कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा केसेज कहीं पर भी होंगे तो उसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर कराया जाएगा। तो उसमें जैसे जिस एरिया में 1 या 2 हैं उसमें भी नया केस आते हैं वो भी हॉटस्पॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो डेली एक दो केसेस जैसे आते हैं तो उनको हॉटस्पॉट में कन्वर्ट किया जाता है। बाकी आइसोलेशन वार्ड की बात हो, क्वारंटीन करने के लिए क्या अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था है और जगहों को आप इस वक्त ले रहे हैं ताकि वहाँ पर भी जो क्वारंटीन किए गए हैं लोग हैं उनको रखा जा सके, या आइसोलेशन वार्ड की संख्या बढ़ाई गई हो? देखिए, क्वारंटाइन जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है हमारे पास, आज की डेट में लगभग, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के अंदर लगभग 2400 लोग हैं। इसका नंबर मुझे अभी नहीं मिल रहा है, लगभग 2400 लोग हमारे पास इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ऑलरेडी हैं। और देखिए, मैंने बताया अस्पतालों में आइसोलेशन सेंटर की हमारे को अभी हमने प्रोविजन किया हुआ है और हमने प्लान किया हुआ है कि अगर जरूरत नंबर बढ़ेगा तो हम उसके लिए बढ़ा लेंगे तुरंत, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम उसको बढ़ा सकते हैं। आज की डेट में जो सबसे हमें लगता है अहम मुद्दा है कि भाई जल्दी से जल्दी अगर रैपिड टेस्ट, क्योंकि ये जो नॉर्मल टेस्ट है ना इसमें बहुत समय लगता है, इसको टेस्ट को सैंपल लेना बहुत बड़ा काम है, उसके बाद सैंपल्स को लैब में भेजना पड़ता है, लैब में कई घंटे लगते हैं, रिपोर्ट आने में 1 दिन या 2 दिन, कभी कभी 3 दिन भी लग जाते हैं। रैपिड टेस्ट में क्या होता है कि आप जैसे डायबिटीज़ चेक करते हैं, खून का एक बूंद लेते हैं और उसका 10-15 मिनट में 20 मिनट में उसका रिपोर्ट वहीं पर आ जाती है, तो उससे हमें बहुत बड़ी संख्या में करना बहुत आसान होगा। जी सत्येंद्र जी, लेकिन मेरा सवाल एक बार फिर से आपसे वही रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या दिख रही है अगर स्थिति ऐसी रही आगे भी, क्योंकि अगर ऐसे ही ओपन रहे कि पिज्ज़ा डिलीवरी से मेरा जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर ऐसे ही सामान जो है घर में डिलीवर होते हैं, चाहे वो ग्रॉसरी हो या और जो ज़रूरी सामान है जिसकी दिशा में हम सोच भी रहे हैं भविष्य में, अगर आज जो ये केस आया है जहाँ पिज्ज़ा की डिलीवरी करने वाला जो शख्स है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, भविष्य में ऐसे ही अगर डिलीवरीज होती हैं और भी ज़रूरी चीज़ों की या खाने की चीज़ों की और ऐसे केस आते हैं, तो उससे निपटने के लिए क्या तरीके, क्या कदम अब सरकार उठाएगी? देखिएगा, अभी पहला केस इस तरह डिलीवरी बॉय का कोई सामने आया है कि किसी भी डिलीवरी वाले का जो केस है, मुझे लगता है हम एक सघन ये करेंगे, जैसे ही हमारे पास किट्स आती हैं तो हम जितने भी ओपन जो सर्विसेज ओपन है ना उन सबको भी टेस्ट करेंगे तुरंत, जितनी भी सर्विसेज ओपन है, जैसे आप किराना की दुकान है या जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, क्योंकि अब इस तरह के मान लो कुल मिला के दिल्ली में अगर 20,000 लोग हैं सब मिलाकर, 25,000 लोग हैं, 50,000 लोग हैं,
उन सबको रैपिड किट से ही हम टेस्ट कर पाएंगे, नॉर्मल जो प्रोसीजर है उससे होना मुश्किल है। जैसे ही रैपिड किट आएगी हम इन सबको स्कैन कर लेंगे ताकि हम एक बार आश्वस्त हो जाएं कि उसमें से कोई पॉजिटिव तो नहीं है। अगर कोई भी पॉजिटिव मिलेगा तो उसको हम आइसोलेट करेंगे। तीन चीज के साथ ही साथ एक और जो एक समस्या दिख रही है, एक जो दिक्कत दिख रही है वो ये कि जो मजदूर हैं जो अपने घर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया है 3 मई तक, अब जब लोगों ने सुना कि और डेट बढ़ गई है तो अब एक चिंता उनके मन में भी है। वो ये पूछ रहे हैं कि वो कैसे यहाँ रहेंगे, कैसे कमाएंगे, क्या खाएंगे, ऐसे में वो घर जाना चाह रहे हैं। हमने भी किस दिल्ली में भी स्थिति देखी, उन सबके लिए क्या कदम? देखो दिल्ली सरकार ने दो चीज़ों का प्रबंध जरूर किया है कि कोई भी इंसान उसके लिए 2 वक्त का खाना मॉर्निंग में और इवनिंग में। कल भी हमने 9 लाख लोगों को लंच कराया है और 9 लाख लोगों को डिनर कराया है। अगर हमें 9 लाख की जगह इससे ज़्यादा भी करना पड़ेगा तो हम जरूर करेंगे। दूसरा, अगर किसी को रहने की जगह नहीं है तो हम अपने इवन स्कूलों को खोल रहे हैं, वहाँ पर हमने नाइट शेल्टर बना दिए हैं, कितने सारे स्कूलों को खोल चुके हैं। जिसके पास भी जगह नहीं उसको रखेंगे, पक्का रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खाने का और रहने का इंतजाम हम करेंगे। जहाँ तक इशू है कि भाई उनको मन में है कि भाई परिवार से दूर हैं और ये बहुत बड़ी त्रासदी है, इस त्रासदी के अंदर मन तो सबका ही करता है कि अपने परिवार के पास जाएं, परंतु मुझे लगता है कि अब 15 दिन बचे हैं, 15-16 दिन बचे हैं। जब इतना कष्ट झेल लिया है तो इसको भी देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि यहाँ से अपने घर जाएं और वहाँ पर बीमारी पहुँच जाए। आज ये बीमारी कंटेन्ड है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, अभी ये बहुत इंटीरियर इलाकों में नहीं पहुँची है। अगर जैसे हिंदुस्तान दिल्ली में कैसे आई, विदेश से लोग हवाई जहाज़ से दिल्ली आए तो अपने साथ बीमारी लेके आए, अब दिल्ली से कोई लोग अपने घर जाएंगे तो कहीं बीमारी साथ ना ले जाए। तो मुझे लगता है 15 दिन सफिशिएंट, जो आने वाले 15-16 दिन हैं उसके बाद मुझे लगता है काफ़ी रिलैक्सेशन केंद्र सरकार अगर देगी तब जा सकते हैं, तब तक तो मुझे लगता है इसको हमें निभाना चाहिए। जी सतीन जी, जैसे WHO कह रही है कि जो शव है, जो लाशें हैं उनको जलाया जाए, उनको दफनाया ना जाए, इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या निर्देश? मैंने अभी ये गाइडलाइन नहीं देखी है और गाइडलाइन देख लेते हैं उसके बाद कुछ कमेंट कर पाएंगे। और ये मेरा एक इससे जुड़ा हुआ एक सवाल, आपने मजदूरों का जिक्र किया, मजदूरों पर हम बात भी कर रहे हैं और ये एक बड़ी समस्या है और वो बेहतर तरीके से समझी भी जा सकती है क्योंकि उनके सामने अब मजबूरी है कि आखिरकार वो रहें कैसे, और उनको घर का अगर किराया देना है या जहाँ पर है वहाँ से उन्हें निकाला जा रहा है, खाने की दिक्कत है। सरकार ने उनके लिए, आप जरा एक बार फिर से बता दीजिएगा, सरकार उनके लिए क्या कर रही है? अगर ऐसा कोई मजदूर है तो वो क्या करे? हमने खाने का इंतजाम सबके लिए, हमने लगभग 1700 जगह पर खाने का इंतजाम किया है। जिसको भी खाने की दिक्कत है वहाँ जाके खाना खा सकता है। कोई हमसे कुछ नहीं मांग रहे, कोई आईडी नहीं मांग रहे, कोई प्रूफ नहीं मांग रहे, जो भी है जाके खाना खा सकता है, दोनों समय खा सकता है। रहने के लिए हमने दिल्ली के अंदर बहुत सारे स्कूल खोल दिए, कोई भी इंसान कहता है मुझे रहने की जगह नहीं, हम रहने की जगह इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मकान मालिक उनको कहा गया कि किराए के लिए किसी को तंग ना करें, अगर कोई ऐसी शिकायत है तो हमारे को बताएं और उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को तो हमने सॉल्व किया है, परंतु जो मैंने बताया ना कि अभी जो बहुत लोग बाहर से आए हुए हैं उनकी साल में एक बार उनको घर जाना होता है, 6 महीने में जाना होता है, वो इश्यूज़ हैं। मैं तो ये कहूँगा जब इतना समय हो गया है तो 2 हफ्ते तक, अब मुझे लगता है इसको आपने समझ के चलिए गई तपस्या है जिस देश को बीमारी से बचाना है, तो 2 हफ्ते और निकालिए। सतीन जी, यहाँ पर एक और सवाल कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपने बहुत जगहों पर रुकने की व्यवस्था की है, खाने की व्यवस्था की है, लेकिन जहाँ रुकने की बात है, ये क्या ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जानकारी जो है उन मजदूरों तक पहुँचाने की सरकार की दिशा से भी काम है क्योंकि वो बहुत घबराए हुए हैं, वो परेशान हैं, उन तक क्या सुविधाएं आप लोग जाकर उनको, कोई है जो बता रहा है कि आप यहाँ ठहर सकते हैं, आपके खाने के लिए ये व्यवस्था है, और किराएदार परेशान करें तो आप ये कदम उठा सकते हैं? हमारे DM हैं, SDM हैं, हमारे जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं, सबको डायरेक्शन दी गई है अगर कहीं पर भी अगर 4 लोग भी मिलते हैं तो उनको हमारे रहने के स्थान पर पहुंचाया जाए, उनसे पूछ लिया जाए कि भाई आपको रहने की दिक्कत तो नहीं है, अगर ऐसे कोई भी मिलते हैं तो तुरंत हम पहुंचा देते हैं। खुद हमारे फील्ड के जो ऑफिसर्स हैं सारे इस काम पर लगे हुए हैं, और कोई भी है तो DM को, SDM को या किसी भी ऑफिसर को आप शिकायत कर सकते हैं, तो उसके खिलाफ अगर ऐसी शिकायत आती है तो हम जरूर एक्शन लेंगे। सतीन जी, इसके साथ ही साथ मरकज से जुड़े हुए जो लोग हैं, क्या सभी को चिन्हित कर लिया गया है, सबको देख लिया गया, सबकी जांच कर ली गई है? कितने केस फिलहाल मरकज से जुड़े हुए सामने आए हैं और सबके क्या टेस्ट हो गए हैं? देखिए, अभी तक दिल्ली में 1578 में से 1080 जो केस हैं वो मरकज से संबंधित हैं। मरकज से लगभग 3000 के करीब लोगों को, मरकज और उससे संबंधित लोगों को निकाला गया था, जिसमें सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन यानी सरकार के क्वारंटाइन सेंटर में है या अस्पतालों में है, तो उसको हमने कंटेन करके रखा हुआ है ताकि अगर जो बीमारी है वो पूरी सोसाइटी में ना फैले। जी,
प्रतीन जी, इसके साथ साथ हम पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय की बात जो कर रहे थे, क्योंकि वो पॉजिटिव पाया गया है, उसके साथ साथ 72 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, टेस्ट हो गए हैं कि अभी या कब तक इनकी रिपोर्ट आ जाएगी? क्योंकि ये भी एक, अगर ऐसा होता है कोई इनमें पॉजिटिव पाए जाते तो एक बड़ा मामला हो जाएगा फिर दिल्ली के लिए। जी, इनके 2-3 दिन में सबके टेस्ट करा के आपको रिपोर्ट बताई जाएगी। तो ये 72 लोग ही हैं जिनको क्वारंटीन किया गया है सर? नहीं, 72 नहीं है मैडम, 72 तो वो लोग हैं जिनको डिलीवरी दी है, 17 लोग डिलीवरी बॉयज भी हैं, उनको भी क्वारंटाइन किया गया है। अच्छा, मेरा मरकज से जुड़ा हुआ एक और सवाल सतेन जी, जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं मरकज से जुड़े हुए जो सामने नहीं आ रहे हैं, छुपे हुए हैं, क्या उन तक जितने लोग थे उन तक सरकार पहुंच गई है, उन सबका टेस्ट हो गया है, सब सामने आ गए, ये माने हम दिल्ली के लिए? ये कहना तो संभव नहीं है कि सब सामने आ गए हैं, सबके बारे में पता कर लिया गया है, क्योंकि जो लोगों ने बताया कि भाई ये कॉन्टेक्ट में है उनको तो टच कर लिया गया है, जिसके बारे में अगर जैसे आप बता रहे छुपा लिया, तो इतना सबका पता लग, मैं कहना कि मुश्किल है कि सबको ही ढूंढ लिया गया है, वो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन सतेन जी, ये करना तो होगा, जो लोग हैं जो अभी नहीं सामने आ रहे हैं, अगर भगवान नहीं करे उनमें से कोई पॉजिटिव होता है तो ये संख्या ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए जरूरी है कि उन लोगों को फिलहाल पता लगाया जाए जो नहीं सामने आ रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हम अलग अलग जगहों पर देखते हैं। दिल्ली पुलिस की मदद से ना फोन नंबर दिल्ली पुलिस को दिए हुए हैं, और दिल्ली पुलिस की मदद से हम उनके फोन लोकेशंस ढूंढवा के किस किस लोगों से मिले वो कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज पैरेलल चल रही है, बट इसको मैं कह दूं कि पूरा हो गया पूरा नहीं हुआ है, उस पर लगे हुए हैं हम लोग। सतीन जी, जाते जाते एक छोटा और सवाल मेरा, कि जो यहाँ दिल्लीवासी हैं जो हॉटस्पॉट में या और जो अभी लॉकडाउन की स्थिति में, खाने पीने की व्यवस्था दिल्ली सरकार क्या बताना चाहेगी कि उन्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फिलहाल उन तक जो हॉटस्पॉट के लोग हैं उन तक पहुँच रहा है? दो चीज़ों में तो मैं पक्का कह दूँ जी, खाने का और रहने का जिम्मेदारी सरकार की है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने कल दोपहर में 9 लाख लोगों को लंच कराया था और शाम को 9 लाख लोगों को डिनर कराया है। अगर इसको और भी बढ़ानी पड़ेगी संख्या को, हम बढ़ाने को तैयार हैं। रहने के लिए हमारे को अपने 50 स्कूल और खोलने पड़ेंगे, तो वी आर रेडी टू ओपन। हमने रहने की व्यवस्था सब लोगों के लिए की है और साथ ही साथ खाने की व्यवस्था सबके लिए की है, कम से कम कोई आदमी भूखा ना सोए। अगर आपका कोई भी आपको दिखता है कहीं भी, तो पास के सरकारी स्कूलों में हमने 1700 सेंटर खोले हुए हैं खाने पीने के लिए, तो 1700 जगह पर भेज सकते हैं। आप सोचिए, एक असेंबली में लगभग 20-20 एवरेज सेंटर बन रहे हैं, 20 से ज़्यादा ही बन रहे हैं, तो काफ़ी हमने पास पास में सेंटर खोले ताकि ज़्यादा भीड़ भी ना लगे, ज़्यादा दूर भी ना जाना पड़े। जी, चलिए सतेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक देने के लिए।